हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्जिन टेक्निक इंडिया। तो यार सेल आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि 22-23 सितंबर के आसपास लॉन्च होने वाली है सेल। और अगर आप अभी भी सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि आपके पास प्लस नहीं है फ्लिपकार्ट, तो उसका करने का तरीका भी हो चुका है। आज सुबह मैंने वीडियो लाइव करी है कैसे करना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का। प्लस जो लिंक से आप डायरेक्टली अर्ली एक्सेस पास ले सकते हैं 40 सुपर कॉइन से। और एक चीज़ और सामने आई है कि जो SBI का कार्ड पे डिस्काउंट आने वाला है अमेज़ॉन पे, मुझे लगता है HDFC का भी बहुत जल्दी आ जाएगा अमेज़ॉन पे ही। अभी तक मेंशन नहीं किया हुआ है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि HDFC इन सेल्स में पार्टिसिपेट ना करें। सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मुझे लगता है इंडिया में HDFC और ICICI के ही हैं, और SBI के तो बहुत कम शेयर होल्डर्स हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें HDFC मिलेगा सेल के अंदर। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेने की सोच रहे हैं एक आईफोन, तो कैसी कैसी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है जब आप एंड्रॉयड पे आ जाएंगे, तो इन सब चीज़ों की कुछ दिक्कतें ये मैंने खुद फेस करी थी अपने टाइम पे, कुछ मेरे को मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स ने भेजी। तो उसमें से मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे को एक लिस्ट अच्छी सी बना के दी कि उन्होंने ये सोच लेने से पहले सोचा, तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए आपके लिए ताकि कुछ भी आपके लिए मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच राहुल भाई, जिनसे मुझे ये थोड़ा सा पार्ट मिला है इस वीडियो का। यार मुझे ऐसा लगता है कि यार चैनल हो या बिजनेस हो, उसकी ग्रोथ आप डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं आपके देखने वाले लोग और आपके आसपास लोग जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपको चाहते हैं ग्रो होते हुए देखना। तो जब वो लोग आपको सजेशन देने लग जाए, जब वो लोग आपसे चीज़ें पूछने लग जाए, तो डेफिनेटली ऐसा लगने लग जाता है कि आपका चैनल बढ़ रहा है या आप आगे बढ़ना शुरू हो चुके हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट अ डिले। कॉल रिकॉर्डिंग इज डेड, कॉल रिकॉर्डिंग आप नहीं कर पाएंगे आईफोन से डायरेक्टली। जुगाड़ पूरे हैं क्या है, दूसरे फ़ोन से आप फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दो लाउड स्पीकर रख के, तो हो जाएगा। या फिर कुछ पेड ऐप्स आती हैं जो कि आपको उसमें क्या करना पड़ता है, किसी और को फ़ोन मिलाना पड़ता है, वो किसी और आपके मेन नंबर दूसरे बंदे पे फ़ोन करेगा, विच इज़ मतलब पर्पस ही डिफीट हो जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का जिन लोगों को ज़रूरत होती है। टाइप सी पोर्ट इज़ गॉन, तो उसके साथ चीज़ें आती हैं OTG रिलेटेड चीज़ें आती हैं, वो इज़ ऑल्सो गॉन। मेरे पास लाइटनिंग से USB वाला भी अडेप्टर है OTG का, पेन ड्राइव चल जाती है उससे, बट मैं बता रहा हूँ स्पीड बहुत कम आती है, ईज़ ऑफ यूज़ नहीं है, फाइल मैनेजर अच्छा नहीं है एप्पल का, तो वहाँ आपको थोड़ा दुख हो सकता है। अगर आपका यूटिलिटी ज़्यादा है उन चीज़ों में, तो आपको थोड़ा दुख डेफिनेटली होगा। अगली चीज़ ऐप्स, कई लोगों को यार ऐप्स बाहर से डाउनलोड करनी होती है प्ले स्टोर के, तो वो इजीली कर सकते हैं ऐप स्टोर में, वो चीज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन ऐप स्टोर, मतलब प्ले स्टोर में हो जाती है, एंड्रॉयड में ऐप स्टोर में बहुत डिफिकल्ट है, इंजेक्ट करनी पड़ती है ऐप, हो जाती है, मैंने ट्राई कर रखी है, बट इट इज़ नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस और आसानी से मिलती भी नहीं है ऐप्स। उसके अलावा और एक बहुत बड़ा दिक्कत आएगी, वो आएगी व्हाट्सएप ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि जो व्हाट्सएप का मूव टू iOS वाला सिस्टम एप्पल ने फ्री निकाला है, उसके अंदर एक तो एप्पल होना चाहिए फॉर्मेटेड, ठीक है, और उसके बाद भी यार ट्रांसफ़र ही नहीं होता, तो वो एक बहुत बड़ा लोचा है। तो उसके लिए आपको पेड ऐप्स खरीदनी पड़ेगी, व्हाट्सएपर जैसी, जो मुझे लगता है व्हाट्सएपर का एक सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, मैंने खुद यूज़ करी और काफ़ी सारे लोगों को बताया कि उसको कैसे कम में लिया जाता है। अगर आपको भी चाहिए व्हाट्सएपर एट अ लो कॉस्ट, तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कैसे। आपको रीच आउट करना पड़ेगा मेरे technicindia@technicindia इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पे आप सबसे पहले लिखिए व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड करके बता दूंगा कैसे। तो अगली दिक्कत आएगी, वो आएगी लो रिफ्रेश रेट, 120Hz 144Hz के रिफ्रेश रेट मिल रहे हैं हमें एंड्रॉयड फ़ोन्स के 20,000 के फ़ोनों में, मतलब और आईफोन हम 50,000 रुपये दे रहे हैं और 60Hz, क्यों आईफोन क्यों? तो यार ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो आपको थोड़ा दुख होगा। डेफिनेटली 60Hz जो आईफोन का है ना, वो एंड्रॉयड की 60Hz से बेटर है, बट 120Hz और 144Hz से तो बहुत फ़र्क दिखता है, और आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है इसके लिए भी। इसके अलावा चार्जर अलग से ख़रीदना पड़ेगा, पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, वो तो है ही। नॉच मिलेगी, दो फिज़िकल सिम्स नहीं मिलेंगी जैसे यूजुअली सब में मिलती है, एक फ़िज़िकल और एक ई सिम मिलेगी। इसके अलावा डेटा ट्रांसफ़र करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यार, मतलब आईफोन का डेटा ट्रांसफ़र करना मैंने काफ़ी लोगों का खुद से भी किया, अपने दोस्तों का, एंड इट इज़ टीडियस सीरियसली, क्योंकि यार उसके लिए आपको मेरे हिसाब से जो अच्छा तरीका क्या होता है, कुछ तो आप स्नैपड्रॉप से कर सकते हो, स्नैपड्रॉप इज़ बेसिकली एन मतलब ऑनलाइन वेब ऐप है जो आपका एंड्रॉयड से आईफोन में एक एयर ड्रॉप की तरह काम करता है, तो वो एक काम हो सकता है, स्लो है बट काम चल जाता है। सारा डेटा आप अपनी ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, 15 GB तक गूगल देता है, 3-4 गूगल की ID बनाओ, 15 GB अपलोड करो और फिर
सीधा आईफोन में क्लाउड पे ही स्टोर कर लो, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज आईफोन की तो 5 GB है, आई क्लाउड की फ्री, उसके अलावा तो पैसे देने पड़ेंगे। तो काफ़ी कुछ आ जाती है ऐसी दिक्कतें आपको आईफोन में आने के बाद। बट फिर भी आईफोन क्यों लेना है यार, आईफोन क्यों लेना है? आईफोन इसलिए लेना है क्योंकि 40-50 हज़ार की जो कैटेगरी है ना इस टाइम पे, वो एकदम ठप है। मतलब आईफोन जितनी प्रीमियम क्वालिटी वो नहीं दे सकते, आईफोन जितनी लॉन्जिविटी 4 से 5 साल वो नहीं दे रहे हैं, और इकोसिस्टम जो अगर आप आईफोन में घुस गए, आपने फ़ोन लिया, एयरपॉड्स लिए, आईपैड लिया, मैकबुक लिया, एयर ड्रॉप जैसे आप कर रहे हो, वो फील, वो कनेक्शन, वो आपको किसी और फ़ोन में नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको आईफोन देता है। इसके अलावा बहुत ही पावरफुल है गेमिंग परस्पेक्टिव, 13 ले लो बहुत बढ़िया, 13 प्रो ले लो एकदम सुपर गेमिंग शेमिंग करने के लिए, बहुत बढ़िया है। डे टू डे टास्क के अंदर कोई लैग, कोई जिटर, कोई बग्स, बहुत ही मिनिमल। मतलब आईफोन के बग्स एंड्रॉयड के सामने बहुत कम आते हैं, मैं ही नहीं बोलूँगा नॉन एग्जिस्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, मैं वो नहीं बोलूँगा, मेरे को आते हैं भाई बग्स, कई बार एयर ड्रॉप भी नहीं होता है। मैं दिन में 50 फाइल एयर ड्रॉप करता हूँ वीडियोस, तो उसमें से मेरे को 5-7 में दिक्कत डेफिनेटली आती है। तो मतलब 10% की दिक्कत, 5% की दिक्कत आ सकती है यार, वो हर फोन में वैलिड है, कोई गलत बात नहीं है। बट ये चीज़ है कि जो ईज़ ऑफ यूज़ कंफर्ट देता है ना, वो कोई और नहीं देता। प्लस जो ये फाइंड माई फ़ोन जैसी चीज़ें हैं, जो सिक्योर एक दूसरे को रखती है, कैसे मतलब अगर मेरे पास मेरे एयरपॉड्स में कहीं रह गए तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ, मैकबुक मेरा कहाँ ट्रैक कर सकता हूँ, दूसरा आईफोन कहाँ ट्रैक कर सकता हूँ, फैमिली के साथ ट्रैकिंग चल सकती है, वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल जो यूजर है ना, वो आपको एक एप्पल का इकोसिस्टम में रह के बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ यार, कुछ चीज़ों के साथ फ़ायदे के साथ ना नुकसान भी आते ही आते हैं। तो फिर कुछ भी परफेक्ट नहीं है इस टाइम पे, ऑनेस्टली सीधी बात करते हैं, किसी भी फ़ोन में। तो अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं आईफोन के ऊपर। और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कॉमेंट डाउन बिलो, और ऐसी ऐसी वीडियोज़ में लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी मैं ऐसी और वीडियोज़ ला पाऊँगा। और मुझे लगता है कि आप लोग मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा करने लग गए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।